हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ में शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी बनाने की विधि बताऊंगी। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है। अब इसमें हम तेल डालेंगे, करीब 2 चम्मच के इसमें मैंने तेल डाल दिया है। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें अपना प्याज डाल देंगे और इसको चला देंगे और साथ में शिमला मिर्च भी डाल देंगे। हमें इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। देख सकते हैं ये पक चुका है, ब्राउन हो चुका है इसका कलर। हमें इसको इतना ही पकाना है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। यहाँ हम कढ़ाई में थोड़ा और तेल डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 स्पून जीरा डालेंगे। अब हम इसमें 1 बारीक कटा प्याज भुन चुका है। अब इसमें हम 2 स्पून के करीब बेसन डालेंगे और इसको भी प्याज के साथ में भून लेंगे। हमें फ्लेम थोड़ा मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, अब हम इसमें थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी इसके साथ में अच्छे से भून लेंगे। हमारा लहसुन, प्याज, बेसन सब अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें टोमेटो डालेंगे। हमने 2 टोमेटो को ग्रेट कर लिया है और इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको अच्छे से पकाने के लिए इसको हमने थोड़ा सा पका लिया है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। यहाँ पे हम इसमें 1/2 स्पून हल्दी डाल रहे हैं और 2 स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। 1/2 स्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे और फ्लेम को थोड़ा मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी टेस्ट होने लग गई है। अब हम इसमें थोड़ा अपने हिसाब से नमक डालेंगे। यहाँ पे मैं 1 स्पून नमक डाल रही हूँ और इसको चला लेंगे। मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हमने थोड़ी सी फ्रेश मलाई ली है और इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी ग्रेवी कितनी अच्छी से पक चुकी है, टेस्ट हो गई है। अब इसमें हम 1 स्पून के करीब गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, गाढ़ी सी। अब इसमें हम ये प्याज और शिमला मिर्च जो हमने फ्राई किया था उसको डाल देंगे और चला देंगे। इसको अब हम 2 मिनट तक ढककर पकने देंगे। हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक बार चला के इसमें हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे
और इसे एक बाउल में सर्व कर लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में सब्जी को ट्रांसफर कर लिया है, आप देखिए कितनी अच्छी बनी है। और इसको आप रोटी पराठे या पूरी के साथ में खा सकते हैं। अगर इसमें आप थोड़ा सा देसी घी डाल के खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको और भी कोई रेसिपी देखनी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर ट्राई करके दिखाऊंगी। थैंक यू।